उज्जैन में बीती रात देवास गेट पुलिस ने होटल के कमरे से मां बेटी की लाश बरामद की और पीएम के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट, देहदान के कागजात आदि बरामद हुए, जबकि महिला का पति रात से ही नदारद है। पुलिस द्वारा मृतिका के परिजनों की तलाश की जा रही है और एक टीम को इंदौर भेजा गया है। अभी सूचना आई कुछ देर पहले थाने से कि होटल अजय में एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 8-10 साल होगी और एक महिला जिसकी उम्र 30-40 साल होगी, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। रूम खुला हुआ था। जैसे सूचना मिली थाने से टीम रवाना की गई, एफएसएल टीम को भी सूचना दी गई और उनको बुलाया गया। क्या लग रहा है सर, क्या घटनाक्रम हुआ? घटनाक्रम अभी जो देखा गया उसमें सुसाइड नोट मिला है और सुसाइड नोट में आत्महत्या करने का जिक्र किया गया है और बाकी उसके बाद जो भी होगा जाँच में। कुछ इंजेक्शन और गले पर निशान लगाए गए हैं, कुछ और उसकी जांच आगे कराई जाएगी। उज्जैन से ईएमएस टीवी के लिए तन्मय खंडूजा की रिपोर्ट।